परसेंट 20% 30% जिन बच्चों के न माँ बाप हैं न फीस दे पाते हैं उनको शिक्षा देना रद्द कर रहे हैं। अभी जबलपुर में गया था तो 27 लोग एससी एसटी के लोग आईएएस आईपीएस में से बने हैं, वो उनकी देन है। और संघ एक समरसता का भाव पैदा करता है, जात धर्म की खेती पैदा नहीं करता है। और अगर संघ का ही एक पिलर राजनीतिक जो दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, ये पहली पार्टी है जिसने दलित को रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ों को देश का प्रधानमंत्री बनाया और दो अभी गवर्नर बने हैं, दो राज्यसभा भी बने हैं, पूर्व में भी एनडीए में 3 गवर्नर बने थे। और मेरे जैसे व्यक्ति भी ये आरक्षित सीट नहीं है जिस पर मैं चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय भारत सरकार बनाया गया है, ये भी आरक्षित सीट नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इतिहास को लिखने वाली है। भारत रत्न तब मिला जब समृद्ध सरकार बीपी सिंह थी और भाजपा का समर्थन था। सर मेरा सवाल ये था, सर संचालक क्यों नहीं बना रहे, कैसे क्या बज रही है, क्वालिटी नहीं है, ऐसा है लोग जो है, मैंने कहा ना कि सर संचालक तक एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक स्टेप है। जब से लोग दलित लोग समझ नहीं पाए, भ्रमित रहे, अब लोग समझ पाए हैं। और तमाम क्षेत्रीय प्रचारक प्रांत प्रचारक का क्षेत्रीय पदों पर दलित लोग हैं, जो वो दलित के नाम से उच्चारण नहीं होते, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि संघ में जात का प्रचलन नहीं है, लेकिन प्रदेश में और देश में कई नाम नहीं बताना चाहूँगा, केंद्र में भी अच्छे पदों पर संघ में हैं क्योंकि संघ में जात प्रथा नहीं है, लेकिन उनके समकक्ष बराबरी में माननीय मोहन भागवत जी के साथ में कई लोग हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, लेकिन जात प्रचलन नहीं है। संघ अगर इतना ही मतलब हिमायती है, इतना ही मतलब सबकी परवाह करता है, तो उसके हेडक्वार्टर पर आज तक भी भारत का झंडा क्यों नहीं है सर? अब ऐसा है, भारत के झंडे की बात करने वाले लोग, संघ का अपना एक स्वरूप है, उसका जो भगवा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी भगवा झंडे का एक प्रतीक था। बाबा का तो भगवा नहीं है सर, पंचशील है। बाबा का पंचशील है, ये तुमको मालूम है कि बाबा साहब का ये दत्तोपन्त ठेंगड़ी कौन थे? नहीं, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। किस बात का जवाब हम बताइए कि संघ अगर सबकी इतने ठेकेदार बनता है आप कह रहे हैं हाँ, तो फिर उसने पहले तो ठेकेदारी प्रथा संघ पर और अमित रतन पर नहीं है। नहीं, हम आप नहीं, 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 नहीं ठेकेदारी प्रथा संघ पर नहीं है। अभी एक समरसता का सर अभी नाम लिया, अभी सर देश में समानता तो है नहीं, समरसता सत्ता से ऐसा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता बंधुत्व भाईचारे के प्रतीक में तथागत गौतम बुद्ध ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसलिए किया था कि समता बंधुत्व भाईचारे के बने। क्या आप अनुसूचित जात में समरसता का एक कब से आ गई है, क्या समरसता का भाव इतने सदियों से कोई संगठन तो विश्व का जो समरसता के भाव को लेकर के चल रहा है, कुछ दिनों जो विषमता को दूर कर रहा है, उसी की देन है राष्ट्रपति बनना, उसी की देन है प्रधानमंत्री बनना। क्या मोदी जी संघ के प्रचलित नहीं है? कौन नहीं है? देश का प्रधानमंत्री मोदी जी संघ से ही निकले हुए व्यक्ति हैं। मेरे जैसा व्यक्ति संघ से नहीं हूं, लेकिन संघ को बहुत ज्यादा विचारधारा को मानता हूं, राष्ट्रीय सोच को मानता हूं, राष्ट्रीय धरोहर को मानता हूं, तो मेरे जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया। सर समरसता जरूरी है, समानता जरूरी है? समरसता समानता का भी अर्थ जो है, चूंकि मेरे जैसे व्यक्ति को समरसता का मतलब है बराबरी, समानता, हिस्सेदारी, जो यहाँ है किसी पार्टी में नहीं है। और इतिहास लिखने का काम कागजों पर रहा, इतिहास पहला पार्टी है जिसने लिखने का काम किया, संविधान दिवस पहली पार्टी है जिसने संविधान दिवस को मनाने का काम, मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों के मसीहा से अलग हटा करके एक विश्व का प्रतीक बनाने का काम किया, योजना आयोग के बारे में बताने का काम किया, पाली निबंधन के बारे में कहा, ये श्रम मंत्री जो है सारा इतिहास ऊपर एक व्यक्तित्व को बनाने का काम किया। बाकी जो अन्य पार्टियों ने दलितों को मसीहा कह करके भारत रत्न तक नहीं दिया, 2.5 गज जमीन तक इन्होंने नहीं दी। ये पहली पार्टी है जिसने चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, जन्म भूमि, लंदन की भूमि और 15 जनपद अंतर्राष्ट्रीय स्मारक ये बनाने का काम किया, आज तक 4.5 साल में बना करके दे दिया। सर आप यूपी से हैं और आप पार्टी में भी हैं, सरकार में भी हैं इस टाइम, और आपकी यूपी में भी सरकार है बीजेपी केंद्र में। सर क्या था जो यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसमें जो एससी के बच्चे पढ़ते थे उनकी जो स्कॉलरशिप आती थी, जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, तो पिछले कुछ 2-3 साल से कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रही और बच्चों को तंग किया जा रहा, ना उनकी डिग्री मिल रही है ना कहीं वो अदर एडमिशन ले पा रहे हैं। ऐसा है, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति आपको थोड़ा ज्ञान के लिए बता दूँ, समाजवादी पार्टी ने उसको दूसरे मतों में खर्च कर दिया था, ये पार्टी ने आकर के छात्रवृत्ति स्टार्ट किए हैं, छात्रवृत्ति
अरे भैया मेरे को समझ लो, पहले राजनीतिक मेरे को मत कहिएगा, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है मेरी आपसे, राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सामाजिक हूँ, पहले राजनीतिक मेरा थर्ड गियर है। छात्रवृत्ति को और एक और भी चीज बता दूँ, छात्रावास दो ढाई से छात्रावास है अनुसूचित जाति वर्ग के, उनके पानी का बिजली का व्यवस्था का सारा योजना मैं बनवा के आया, मध्य प्रदेश में सारी योजना उनकी छात्रावासों का नाम की चिंता करने के, जो उसमें बेचारे रिसर्च करने वाले हैं उनका बिजली पाली नहीं होता था, ये पाली पार्टी है जो छात्रों के बारे में चिंता कर रही है, अनुसूचित वर्ग के हाथों की चिंता। 158 योजनाओं में सारी हितकारी योजना नीचे चाहे उज्ज्वला हो, जनधन योजना, सारी योजनाओं में मुद्रा बैंक योजना हो, अनुसूचित वर्ग के हित को रख करके की गई है। कांग्रेस तो सब्सिडी का पैसा 7,000 करोड़ रुपए सारा खा गए थे जो कांग्रेसी नेता जेल गया था। तो इसलिए सबसे पहले मेरा आप लोगों से अभी अपील है कि दलित विरोधी कांग्रेस थी, उसने जात पंथ का खेती पैदा की, देश के टुकड़े किए, ये जात पंथ की खेती नहीं बीजेपी पैदा करती। और इसमें आप संघ और बीजेपी में आकर के देखिएगा, चिंतन को जानिएगा। सर, सर एक मिनट, तो सर हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, संघ की शरण में जाना चाहिए, फर्स्ट कैसे? ऐसा है, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि वाला व्यक्ति हूँ जी, और बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि भारत की जमीन में, भारत की संस्कृति में पैदा हुआ है, संघ बौद्ध को भी मानते हैं, अम्बेडकर बाद के कट्टर अनुयायी हैं।